बॉस सीजन 15 की शुरुआत हो चुकी है, कितना फॉलो कर रही हैं बिग बॉस को? मैं तो बिग बॉस मराठी भी फॉलो कर रही हूँ बिग बॉस की बहुत ही बड़ी फैन हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो लास्ट सीजन था सीजन 14 उससे कई गुना ज्यादा बेटर ये सीजन है। मैं थी लास्ट सीजन में, लेकिन मैं तभी भी ये बोलूंगी कि ये सीजन इज किकिंग एस, इट्स अ वेरी गुड सीजन और मैं खुद पर्सनली बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने मुझे देखा होगा कि मैं हमेशा मैं झगड़ती हूँ स्ट्रैटेजिकली, मैं स्ट्रैटेजीज में बिलीव करती हूँ और ये सीजन में स्ट्रैटेजीज यूज की जा रही, तो कोई ना कोई मुझे देखकर या विकास को देखकर जो ब्रेनी लोग थे जो अपना माइंड गेम्स खेलते थे वो जो इस गेम खेलना जानते हैं वो सीख कर गए हैं, लेकिन ये सीजन इज किक एस। ये मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये 13th के बाद, फर्स्ट 13th के बाद ये सबसे बेस्ट सीजन होने वाला है, बट लास्ट सीजन से तो काफी बेटर है। फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? जय भानुशाली, राज कुंद्रा, निशांत भट्ट, शमिता शेट्टी और ईशान, ये मेरे अभी फिलहाल उमर भी। आई एम सो सॉरी, राज कुंद्रा न्यूज में थे इसलिए मैंने राज कुंद्रा बोल दिया, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन टू। करण कुंद्रा सॉरी, वापस करते हैं, आप दोनों दिखाना है तो मेरे फेवरेट कॉन्टेस्टेंट है जय भानुशाली, करण कुंद्रा, शमिता शेट्टी, उमर रियाज, निशांत भट्ट और ईशान। ईशान का लास्ट नेम नहीं पता। वेल, हाल ही में करण कुंद्रा काफी ज्यादा हाईलाइट हुए थे क्योंकि उन्होंने शमिता को आंटी कह दिया था, क्या यस आई वाज वेरी अपसेट विद दैट, मैंने वो ट्वीट भी किया। मैं कैसे ट्वीट करती हूँ एक्चुअली, क्या है एपिसोड रात को आता है और मैं दूसरे दिन सुबह देखती हूँ, क्योंकि रात को मैं बच्चों को सुलाना, दूसरा मेरा बड़ा बच्चा कृष्णा उसको खाना देना वगैरह, फिर हम पूरे दिन का बताते कि क्या हुआ एक दूसरे के साथ, हमारे जो बड़े वो घर की एक्टिविटीज होती, मैं दूसरे दिन सुबह या दिन में एपिसोड देखती हूँ, तो आई एम ऑलवेज वन डे लेट। तो और जैसे एपिसोड देखती हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का इल्म होता है कि मैं लेट हूँ, रात का एपिसोड लोगों ने देखा, मैं अभी देख रही हूँ, तो जैसे जैसे मुझे कुछ अच्छा लगता है मैं पॉज करती हूँ और ट्वीट करती हूँ। तो जो करण ने अपना माइंड गेम खेला था और वो स्ट्रैटेजी किया था, वो माइंड ब्लोइंग था, तो मैंने पहले वो ट्वीट किया, फिर उसके बाद जब मैंने उसको देखा आंटी बुलाती हूँ तो मैं थोड़ी सी अपसेट हुई, क्योंकि आई एम रियली अगेंस्ट एज शेमिंग। ये निकित अम्बोली ने एज शेमिंग मुझे भी किया था, व्हाटएवर वो बोली थी, वो बेवकूफ़ वैसे ही है। तो आई वॉज वेरी वेरी शॉक्ड दैट करण कुंद्रा सेड दिस, और लेकिन वो हो सकता है उसने मजाक में बोला हो, आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, लेकिन एज शेमिंग शुड नॉट हैपन, क्योंकि अगर मैं अपने एज पे इतनी एक्टिव हूँ और इतनी अच्छी दिखती हूँ तो एनीबडी कैन, एंड शमिता इज स्टिल वेरी यंग। लेकिन ओटीटी की तरह, बिग बॉस ओटीटी की तरह प्रतीक का इस सीजन किसी के साथ में जम नहीं रहा है। नहीं नहीं, ही इज इरिटेटिंग, प्रतीक इज वेरी ऑनेस्टली इरिटेटिंग, लेकिन उसको अपना मैच मिल गया है जय भानुशाली और करण कुंद्रा में, वो नहीं कर पाएगा इस साल जो वो हमेशा बाकी के सीजन बाकी के रियलिटी शोज में करता है। एक्चुअली मैं बाकी के रियलिटी शोज देखती नहीं हूँ, लेकिन प्रतीक बहुत ही इरिटेटिंग और अनोइंग है, और वो चिल्लाना और कुछ भी अपनी तरफ से करना, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू वर्क, क्योंकि एक होता है कि आप दिखने के लिए करो जो प्रतीक कर रहा है, लेकिन दिखना भी होता है बिकना भी होता है ना, आपको ऑडियंस पसंद नहीं करेंगे तो आप कैसे जीतेंगे। ओके, इसके अलावा फिल्म के बारे में तो आपने बता ही दिया है, बता दीजिए कब रिलीज होने वाली है। वेल, अभी तो एडिट पे है, कंप्लीट हो गई है फिल्म, थोड़ा सा पैचवर्क में भी एक दिन का बाकी हो, एक गाना बाकी है उसका, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी लग रही है एंड यू विल रियली लाइक इट, और मैंने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू एज अ डायरेक्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।